वेलकम टू द पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, आवाज होंगे। मेरा नाम है जवाद और मैं हूं जैन। तो जवाद भाई ने जैसे बोला आप लोग खैरियत होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं अभी एक हफ्ते बाद आया हूं। बिल्कुल टन हो गया था, बिल्कुल फीवर इतना तेज था तो समझ ही नहीं आया। तो फिर एक हफ्ता फिर चरपाई पे गुजारा घर, तो आज निकला हूँ। तो चलो आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज वीडियो का टाइटल है आगरा मेट्रो, उसकी लेटेस्ट अपडेट आई है ना। अच्छा, अभी वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे हैं, आगरा मेट्रो कैसे तैयार हो रही है ऐसा ऐसा। चलो वो वीडियो में देखते हैं, जिसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर चुनिया है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में मेट्रो को स्थापित करने का पता नहीं पहले बताया था, वो इतनी 10 शहरों में मेट्रो है और बाकी 13 देश जो है ना शहर है वहां पे मेट्रो पहुंचाने का काम चल रहा है। अच्छा, इसी महीने 16 नवंबर को किया जाना है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप हमारे कानपुर मेट्रो का भी वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम आगरा मेट्रो के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आगरा मेट्रो के बारे में और इसमें कितनी लागत आएगी आदि चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो आगरा मेट्रो आगरा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी साधन है। आगरा में स्थित दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की वजह से ही जानते हैं। और इस ताजमहल की वजह से आगरा में हर वर्ष लगभग 50 से 60 लाख बच्चा ने अपने प्यार में बनाया था, रानी के प्यार में लोकल के लोगों को आगरा में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से लोगों का बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा टाइम और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आगरा के टूरिज्म पर भी पड़ता है। इसीलिए योगी सरकार आगरा के लोगों की इस महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने के लिए काफी उत्साहित दिख रही है और प्रोजेक्ट पर काफी आगरा का है मेट्रो प्रोजेक्ट 2 चरणों में बनकर तैयार हो रहा है। इन दोनों चरणों में कुल 29 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से पहले चरण के अंतर्गत जो कि 14 किलोमीटर लंबा होगा उसमें 13 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और दूसरा चरण जो कि 16 किलोमीटर का होगा उसमें 16 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। और अगर हम बात करें इन रेलवे स्टेशन के नाम की तो आपको बता दूं कि पहले चरण के अंतर्गत बनने वाले 13 रेलवे स्टेशन में सिकंदरा, ISVT बस स्टैंड, गुरुद्वारा, राजा मंडी, सेंट जॉन चौराहा, बिल्कुल जो जो मतलब फतेहाबाद रोड, बस और ताजपुरी गेट शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे फेज के अंतर्गत आगरा कैंट स्टेशन, सदर सुल्तानपुरा, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, सेंट जॉन्स, हरि पर्वत, संजय पैलेस, MG रोड, सुल्तानगंज पुलिया, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, मंडी समिति और कालिंदी बिहार स्टेशन शामिल होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आगरा की है मेट्रो भारत में अलग अलग शहरों में पहले से चल रही मेट्रो से काफी अलग होगी। जैसे कि ट्रेन का एरोडायनामिक मॉड्यूलर डिजाइन होगा, कोच हल्के व मजबूत स्टेनलेस स्टील से बने होंगे, वातानुकूलित कोच के सभी दरवाजे स्वचालित होंगे, दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड प्रवेश मार्ग के द्वार होंगे, विकलांग व नेत्रहीनों के लिए व्हीलचेयर मौजूद होगी, प्रत्येक कोच में मॉडर्न पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, तेज रफ्तार के लिए ट्रेन में फ्लेक्स मेट्रो बोगी भी शामिल होगी और इन सबके अलावा ऑस्ट्रेलियन तकनीकी का एडवांस सिग्नल सिस्टम मेट्रो की रफ्तार पर कभी ब्रेक नहीं लगने देगा, जिसकी वजह से हर 5 मिनट की फ्रिक्वेंसी में यात्रियों को मेट्रो मिल सकेगी। इसके साथ ही यात्रियों को स्टेशन पर आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां भी प्रस्तावित है। वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। बात करें आगरा मेट्रो से होने वाले फायदे की तो आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में हर चीज़ लोगों को होगा और इस आगरा मेट्रो में हर रोज लगभग 7 से 8 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिससे ट्रैफिक में भारी कमी आएगी। ट्रैफिक में कमी होने के कारण आगरा के पर्यटन में भी कमी देखने को मिलेगी।
जिससे आगरा के लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा। इतना ही नहीं, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 8 से 10 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा और ये तो बात है ना, रोजगार तो मिल सकता है, बिजनेस करने के लिए नए नए मौके भी मिल सकेंगे। डबल इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाले डबल बिल्कुल कि आगरा का यह पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट लगभग 8,380 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और इस प्रोजेक्ट का पहला चरण लगभग दिसंबर 2022 के पहले पहले बनके कहने में आसान है। बात करें दूसरे चरण की, कमाने में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। तो ये था हमारा आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट, आजकल जो टाइम चल रहा है इसमें तो 1 रुपया ना दे पाकिस्तान, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी महंगाई हो चुकी है जैसे भविष्य में हमेशा कोई भी वीडियो अपलोड करना, जहाँ पे गैस की जाती थी वहाँ गैस की चली जाती है, इसका पेट्रोल है वो हवा में बात कर रहे हैं, सब्जियाँ इतनी ठंड होती है तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब हमारे पता ही नहीं, बिल्कुल जी जी, हर चीज मतलब आसमानों को छू रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या आहिस्ता आहिस्ता तो ऊपर चली गई ऐसी होगी। बाकी आगरा मेट्रो वाकई जबरदस्त, ये बात अच्छी है ना, मतलब आगरा मेट्रो बनी है मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए आसानी, टाइम की बचत, टाइम की बचत हो जाएगी बिल्कुल, दूसरा वो लोग आते जाते हैं आगे पीछे जी जी सफर करते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं जो उनके लिए आसानी, दूसरा वहाँ के लोगों को मतलब जॉब मिल जाएगी, ये तो और अच्छी बात है, जॉब मिलेगी बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या है मतलब जो भी नए लड़के हैं जवान होते हैं वो एक आध होता है जो जिसकी सोच थोड़ी सी अलग होती है, बिल्कुल ज्यादा अपनी फैमिली की मतलब टेंशन में होता है, चलो जॉब नहीं है मतलब घर को चलाना है, उनको जॉब मिल जाएगी, ये जबरदस्त काम जबरदस्त, मतलब एक आध लड़के होते हैं जो मतलब टेंशन फ्री घर से, चलो जी बाप कमा रहा है, बाप कमा रहा है अच्छा खासा कमा रहा है, वो खा रहा है, हम भाई वो आगे से उड़ाने वाले, चलो जी घूमो फिर एंजॉय करो, अपना टाइम आएगा फिर देखेंगे, कोई होते हैं ऐसे घराने बिल्कुल मतलब सोचने वाले लड़के छोटे छोटे होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे मतलब टेंशन होती है, चलिए आ जाती है ऐसा ऐसा ये भी होगा वो भी होगा ऐसे भी करना है वो भी करना है घर को ये करना है, ये ऐसी चीज होती मतलब खुद अपने लोगों को देंगे ना, जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे जो मेट्रो चलाने वाले वो बाहर से मंगाए हैं वो चला रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में से लेते उनको देते तो फिर वो पाकिस्तान को हमें कौन से चलाने आती जिनको आती होगी उनको देनी चाहिए थी, बाकी जबरदस्त हो गया मेट्रो का मतलब लेटेस्ट डेट आई, बाकी सहूलियत वगैरह वो देखिए हर चीज की सहूलत मौजूद है, वो स्टेशन तो बनेंगे उनकी भी सुलह जो होगी मौजूद होगी बिल्कुल, 29 स्टेशन जी 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 स्टेशन, तो फिर बैठने की आगे पीछे दूर की फिर वो सोच के बना रही है, दुनिया के दूसरे नंबर पे मेट्रो इंडिया की, बिल्कुल दूसरे नंबर पर दुनिया के पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पे, जबरदस्त। चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा दीजिए, बाय बाय।